तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने Google Chrome की जो है लोकेशन किस तरह से चेंज कर सकते हो बगैर सॉफ्टवेयर के, बगैर कोडिंग, बगैर किसी चीज के। यहां पे हम इसकी लोकेशन चेंज करने वाले हैं। बहुत सारी जगह पे आपको जरूरत पड़ती है कि आप अपनी जो है लोकेशन कहीं और की दिखाना चाह रहे हो ताकि आप वो अपना काम कर सको। अगर मैं यहाँ पे इस वीडियो में उस चीजों का नाम लूंगा तो ये वीडियो जो है डिलीट कर दी जाएगी। तो इसलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि इसको आप लोग चेंज किस तरह से करोगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान दीप, आप देख रहे हैं दीप टेक्नोलॉजी लैब यूट्यूब चैनल। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे अगर मैं अभी के लिए आपको दिखा दूँ माई लोकेशन, यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ और उसके बाद यूज़, यहाँ पे मैं करंट वाला जो है यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि करंट लोकेशन मेरी अभी के लिए बहावलपुर आ रही है। तो इसको आपने अब चेंज किस तरह से करना है, आपने क्या करना है, यहाँ पे थ्री डॉट के अंदर चले जाना है। थ्री डॉट के बाद आपने यहाँ पे नीचे आपको मोर टूल नजर आएंगे, मोर टूल के अंदर आपने डिवेलपर टूल के अंदर चले जाना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इस तरह से कुछ कोडिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास थ्री डॉट आ जाएंगे। इस थ्री डॉट पे क्लिक करते ही मेरे पास यहाँ पे मोर टूल, मोर टूल के बाद यहाँ पे आप सिक्योरिटी के नीचे यहाँ पे सेंसर आपको देखने को मिल जाते हैं। मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ और मेरे पास यहाँ पे सेंसर वाला टैब ओपन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ एरियाज या कुछ कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी, आप इसमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे लंदन सिलेक्ट कर देता हूँ। और उसके बाद अगर मैं इसको बंद कर दूं और अब इसको मैं रिफ्रेश करूं तो अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे मैं यूज करंट लोकेशन कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी यहाँ पे लोकेशन जो है चेंज हो चुकी है। यहाँ पे लंदन और ये सारी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हो। और अगर आप कोई मैनुअल तरीके से अपनी मर्जी से कोई मखसूस एरिया डालना चाहते हो वो भी डाल सकते हो। मैं दोबारा से थ्री डॉट में जाता हूँ, उसके बाद मोर टूल और डिवेलपर टूल, और उसके बाद यहाँ पे पहले से मेरे पास ओपन है, वरना आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे थ्री डॉट, उसके बाद मोर टूल और यहाँ पे सेंसर। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे अदर पे क्लिक करूंगा और मेरे पास यहाँ पे लेटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और यहाँ पे ये चीजें, ये सारी चीजें आपको मैप के अंदर यहाँ पे भी क्लिक करोगे ना तो ये चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। अगर आप लोगों ने गूगल मैप यूज किया होगा तो आपको इन चीजों का पता होगा। आप वहां से ये चीजें कॉपी करके यहाँ पे डाल सकते हो और आप कोई भी मखसूस जगह की लोकेशन पे आप अपना क्रोम दिखा सकते हो कि अभी के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये था बगैर किसी चीज के आप इसका सिर्फ और सिर्फ क्रोम की जो है लोकेशन चेंज कर सकते हैं। और इस तरह की और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।